नमस्कार, मैं अभय राज और आप देख रहे हैं वीके न्यूज़। उत्तर प्रदेश में जब से पंचायत चुनाव का आगाज हुआ है तब से पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में है और सभी जगह सतर्कता से छापे मारकर गुनेगारों के हर नापाक मंसूबे को धराशायी कर रहे हैं। यूपी पुलिस पूरे कोशिश में लगी है कि चुनाव शांति से संपन्न हो और इसके लिए वो हर मुमकिन प्रयास भी कर रहे हैं। यहाँ एक तरफ जहरीली शराब पीने के बाद हुई मौतों से सबक लेते हुए सूबे की पुलिस आए दिन किसी न किसी शराब माफिया के ठिकाने पर तवीज देते हुए उनके गोरख धंधे का भंडाफोड़ कर रहे हैं। इस बीच यूपी पुलिस रामपुर में प्रथम चरण में पंचायत चुनाव संपन्न होने हैं, जिसे लेकर स्थानीय पुलिस एक्टिव मोड पर है और इसी के तहत पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस ने इलाके में चल रहे अवैध हथियारों की एक फैक्ट्री पकड़ी है और एक व्यक्ति को देसी तमंचे और कई दूसरे हथियारों के साथ हिरासत में ले लिया है। आइए अब आपको इस मामले में विस्तार से जानकारी देते हैं। दरअसल जनपद रामपुर के कोतवाली शाहबाद में पुलिस को सूत्रों से जानकारी मिली कि एक शख्स क्षेत्र में अवैध हथियार की फैक्ट्री चला रहा है। इस धंधे के जरिए वो देसी तमंचे और कई घातक हथियार बना रहा है। फिर क्या था, जानकारी मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई और मौके पर पहुंच गई और घेराबंदी की गई और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। आपको बता दें कि पकड़े गए शख्स के पास से इतना हथियार मिला है कि पुलिस के अधिकारी भी तंग रह गए। आरोपी के पास 7 315 बोर के तमंचे, 1 12 बोर का तमंचा और कई तमंचे के नाल और तमंचे बनाने के इस्तेमाल होने वाले उपकरण भी बरामद किए गए हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए पुलिस इसे बड़ी कामयाबी मान रही है। ऐसे में मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक शगुन गौतम ने बताया है कि शाहबाद पुलिस को सूचना मिली कि एक क्षेत्र में एक व्यक्ति अवैध हथियार बना रहा है, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उस व्यक्ति को मौके से गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसके कब्जे से कई हथियार और हथियार बनाने वाले उपकरण भी बरामद हुए हैं, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस का मानना है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पंचायत चुनाव में साजिश के तहत हो सकती थी। पकड़े गए आरोपी से पूछताछ की जा रही है और उससे ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसके तार कहां तक जुड़े हैं और उसके साथ इस गिरोह में और कौन कौन मिला हुआ है। इस खबर में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबर से जुड़ी हर अपडेट के लिए देखते रहें वीके न्यूज़। धन्यवाद।